पंजाब के होशियारपुर में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर बहाया दूध, सब्जियां भी फेंकी गईं। पुणे के टोल प्लाजा पर किसानों ने बहाया 40,000 लीटर दूध। किसानों ने पंजाब के फरीदकोट में सड़कों पर फेंकी फल सब्जियां, स्थिति तनावपूर्ण। महाराष्ट्र के बुलढाणा में सुबह से किसानों की हड़ताल का असर, दूध और सब्जियों पर की सप्लाई पर असर। एमपी के मंदसौर में आंदोलन शुरू करने से पहले मंदिर पहुंचे किसान, भगवान का दूध से किया अभिषेक। खरगोन में किसानों के बंद के चलते सब्जी मंडी में सिर्फ 50% सब्जियां पहुंची, कुछ किसानों ने छिपकर मंडी में पहुंचाई सब्जी। किसानों के बंद के दौरान होशंगाबाद में किसानों ने अस्पताल में मुफ्त दूध बांटने का किया फैसला, मंडी में घटी सब्जी की आवक। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने किया हड़ताल का ऐलान, 130 संगठनों के साथ विरोध। झाबुआ में लगाई गई धारा 144, किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। आगरा में अपने वाहनों की फ्री आवाजाही कराने के लिए किसानों ने टोल पर किया कब्जा, जमकर की तोड़फोड़। दिल्ली में कांग्रेस ने पानी की किल्लत पर किया जल सत्याग्रह, मटका लेकर जुटी महिलाएं। पानी को लेकर दिल्ली में त्राहिमाम, गोविंदपुरी से लेकर द्वारका तक लोगों का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर फूटा गुस्सा। शिमला में पानी की किल्लत पर नगर निगम के पार्षदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बेनमोर वार्ड के निवासियों ने सीएम जयराम ठाकुर के आवास पर दिया धरना। शिमला में पानी की किल्लत पर गुस्से में लोग, कल NH5 पर घंटों तक लगाया गया जाम। शिमला में पानी की किल्लत के बीच चौंकाने वाली तस्वीरें, संजौली में इंजीनियरों ने बर्बाद कर दिया टंकी का पानी, झरने की शक्ल में बहता दिख रहा है टंकी का पानी। गोरखपुर फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर की हार पर यूपी में योगी के खिलाफ बीजेपी में उभरे विरोध के स्वर, हरदोई में गोपा मऊ के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर पोस्ट की कविता। श्याम प्रकाश ने लिखा, मोदी नाम से पा गए राज, कर ना सके जनता मन का काज। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने आगे अपनी कविता में संघ पर भी वार साधा और लिखा, संघ संगठन हाथ लगा, मुख्यमंत्री भी असहाय। सिंगापुर दौरे का पीएम मोदी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति भवन में शानदार औपचारिक स्वागत। सिंगापुर में पीएम मोदी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकवाद और साइबर अपराध को बताया सबसे बड़ा खतरा, इससे मिलकर निपटेंगे। पीएम मोदी ने कहा, सिंगापुर की कंपनियों का भारत पर है पूरा भरोसा। पीएम मोदी ने सिंगापुर की कंपनियों का भारत पर भरोसे के साथ डिजिटल साझेदारी को बताया अहम। सिंगापुर में पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की मुलाकात, आज पीएम मोदी नान्यांग यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा। आज कर्नाटक में कुमार स्वामी कैबिनेट के विस्तार की तारीख का हो सकता है ऐलान, गठबंधन में घमासान की आशंका। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल और कुमार स्वामी की मुलाकात के बाद तारीख पर मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर चल रहा था घमासान। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश ने खाली कराना शुरू किया सरकारी आवास, बंगलों से निकाला जा रहा है सामान। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवाज खाली करने का आदेश। हापुड़ में दबंगों का कहर, कहा सुनी का बदला लेने के लिए युवक को अगवा कर जमकर पीटा। पीलीभीत में छेड़छाड़ के आरोपी की जमकर पिटाई, आरोपी पहले भी छेड़छाड़ में हो चुका था गिरफ्तार।
मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, दो बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में टैंक की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत, टैंक में गैस बनने से दम घुटा। हरदोई में नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप, स्थानीय सांसद के साथ लोगों ने किया थाने का घेराव। गाजियाबाद में किडनैपर्स गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर, तीन गिरफ्तार। मुठभेड़ में दो बदमाशों के साथ दो पुलिसकर्मी भी जख्मी, बदमाशों की निशानदेही पर छोड़ा गया था अगवा इंजीनियर। नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद नतीजे के बाद दो गुटों में बवाल, जमकर पथराव और मारपीट। पूर्वोत्तर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में एसी की खराबी पर मुगलसराय स्टेशन पर मुसाफिरों का बवाल, एक घंटे तक रुकी नहीं ट्रेनें। नाराज मुसाफिरों को समझाने में रेल कर्मचारियों को समझाने में छूटे पसीने, बार बार चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकते रहे मुसाफिर। हरियाणा के फतेहाबाद में दबंगों ने दलितों का काटा पीने का पानी, जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। आई एम रोहतक के निदेशक पर महिला प्रोफेसर ने लगाया यौन शोषण का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के करनाल में धार्मिक स्थल को लेकर दो गुटों में मारपीट, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। करनाल में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत, हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत। हरियाणा के झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या, 10 दिन पहले मामूली बात पर युवकों से हुआ था झगड़ा। गोरखपुर फूलपुर के बाद कैराना और नूरपुर की हार पर यूपी में योगी के खिलाफ बीजेपी में उभरे विरोध के स्वर। हरदोई में गोपामाऊ के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर पोस्ट की कविता। श्याम प्रकाश ने लिखा, मोदी नाम से पा गए राज, कर ना सके जनता मन काज। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने आगे अपनी कविता में संघ पर और भी सीधा वार किया, लिखा, संघ संगठन हाथ लगा, मुख्यमंत्री भी असहाय। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग के बीच जनता पर पड़ा एक और बोझ, रसोई गैस के बड़े दाम, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर हुआ 48 रुपए महंगा। सब्सिडी वाला सिलेंडर भी 2 रुपए 34 पैसे हुआ महंगा। इस बीच आज पेट्रोल 6 पैसे और डीजल 5 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। यूपी के अमेठी में अगवा कर नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 3 में से 1 को दबोचा। बरेली में ढोंगी बाबा की विवाहिता को जाल में फंसाकर शादी करने की कोशिश, पति और परिवार वालों ने की धुनाई। लखीमपुर खीरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, 8 साल के बच्चे समेत पति पत्नी के घर से बरामद हुई लाश। आजमगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को लगी गोली, क्रॉस फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल। यूपी के नोएडा में घर का ताला तोड़कर लाखों की लूट, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, पुलिस के हाथ खाली। दिल्ली में फिरौती के लिए अगवा किए गए 11वीं के छात्र का किया गया कत्ल, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में मामूली विवाद के बाद घर में घुसकर महिला और बेटी की पिटाई, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के स्टाफ ने डीएमआरसी के कर्मचारी के साथ की बदसलूकी और मारपीट, नाराज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली में जमानत पर बाहर आए बदमाश परविंदर प्रवीण ने फिर किया हत्या, पुलिस ने दबोचा। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने 6 वाहनों को किया आग के हवाले, मजदूरों को बनाया बंधक। हरियाणा के फरीदाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ रहे परिजनों ने थाने में किया जमकर हंगामा, पुलिस पर बच्ची को डराने का आरोप। हरियाणा के फतेहाबाद में शातिर चोर ने दुकानदार के गल्ले से साफ किए पैसे, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सीतामढ़ी में 3 बाइक सवारों ने जिला कल्याण पदाधिकारी को गोलियों से भूना, मौके पर मौत। झारखंड के दुमका में 12वीं क्लास की छात्रा ने कोचिंग संचालक पर दुष्कर्म और यौन शोषण का लगाया आरोप, पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज। दुमका में गैंगरेप पीड़ित ने पंचायत का फैसला मानने से किया इनकार, पुलिस से लगाई गुहार।
गर्दन की चोट के बाद विराट कोहली ने शुरू की नेट प्रैक्टिस, संजय बांगड़ के साथ बहाया पसीना। मैच फिक्सिंग पर आईसीसी ने जताई चिंता, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन ने कहा फिक्सर खेल पर कस रहे शिकंजा। अजिंक्य रहाणे ने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को बताया टीम के लिए बड़ा खतरा, 14 जून से हो रहे इकलौते टेस्ट मैच में रहाणे कर रहे हैं कप्तानी। ईडी ने बीसीसीआई समेत ललित मोदी और श्रीनिवासन पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, साउथ अफ्रीका में हुए इंडियन प्रीमियर लीग में लेन देन के मामले को लेकर जुर्माना। वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल, छिन सकता है गोल्ड मेडल। हर्षवर्धन कपूर की फिल्म भावेश जोशी रिलीज, मुंबई में कल हुई स्क्रीनिंग। आज से पर्दे पर वीरे दी वेडिंग का जलवा, करीना कपूर कर रही है कमबैक। आलिया के साथ रिश्तों पर बोले रणबीर कपूर, नए रिश्तों को चाहिए अभी थोड़ा वक्त। आलिया की फिल्म राजी का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, 108 करोड़ के पार पहुंची कमाई। जॉन अब्राहम की फिल्म बरबाड़ू भी दर्शकों को खींचने में कामयाब, 32 करोड़ के पार पहुंची फिल्म की कमाई। फ्लोरिडा के हाई स्कूल में 17 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले किशोर का था खतरनाक प्लान, बड़े पैमाने पर कत्लेआम अंजाम देना चाहता था आरोपी। आरोपी लड़के के सेलफोन में अपलोडेड वीडियो की जांच से हुआ खुलासा, आरोपी ने कहा था हर चीज से, हर किसी से नफरत करता। क्रोएशिया में वैन पर पुलिस फायरिंग में 9 की मौत, वैन पर सवार थे अफगानी और इराकी प्रवासी। वैन ड्राइवर ने की थी बैरिकेडिंग को तोड़कर क्रोएशिया में घुसने की कोशिश, फायरिंग के बाद फरार हुआ ड्राइवर। चीन के सिचुआन प्रोविंस में अद्भुत नजारा, गांव में निकला विशाल पांडा। खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।